हाय गाइस, आज हम निका के मोका मिक्स पैलेट के साथ एक बहुत ही इजी स्मोकी ब्राउन टाइप का लुक क्रिएट करेंगे। ये लुक डे टाइम में, नाइट टाइम में आप कभी भी कैरी कर सकते हो। सबसे जो लाइट ब्राउन शेड है उसके साथ मैं क्या कर रही हूँ, अपने पूरे जो आईलिड है उसे कवर अप कर रही हूँ, एक कैनवस बेसिकली क्रिएट कर रही हूँ। उसके बाद ये वाला शेड लिया है मैंने और उसके साथ मैं थोड़ा सा अपने आउटर वी को डिफाइन करूंगी ताकि मुझे एक अच्छा सा फ्रेम मिल जाए अपने आईज को करने के लिए, और थोड़ा सा बाहर की तरफ मैं स्प्रेड करूंगी हल्का सा, बहुत ही ज्यादा लाइट सा, ठीक है। उसके बाद ये वाला शेड लूंगी, एक्सेस को आप डस्ट ऑफ कर लो और अपने आंखों में डेप्थ ऐड कर लो। अगर आप ज्यादा डेप्थ ऐड करना चाहो तो ज्यादा कलर भी वहां पे आप डिपॉजिट कर सकते हो, लेकिन प्लीज कंट्रोल हाथ से थोड़ा सा करना। यहाँ पे फेसेस कनाडा का मैंने काजल लिया है, बहुत ही अच्छा काजल है, और एंगुलर ब्रश के सहारे मैं थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा एक विंग क्रिएट करूंगी, और जो सबसे पहले शेड लिया था लाइटेस्ट वाला उसके साथ मैं अपने लोअर लैश लाइन को कंप्लीट कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा हैवी कुछ करना नहीं है मुझे, ठीक है, बहुत बहुत लाइट सा मैंने यहाँ पे लिया है। और ये जो भी आपके पास अगर कोई गोल्डन टाइप का शेड है, अगर हाइलाइटर नहीं भी है तो गोल्डन आई शेडो के साथ भी आप अपना इनर कॉर्नर हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं मेबलिन का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले एक आँख के लैशेस को मैं बहुत अच्छे से कोट कर रही हूँ, ठीक है, बहुत अच्छे से कोट करूँगी, उसके बाद उसको छोड़ दूंगी और जो दूसरा आई लैश है दूसरे आँखों में उसको कोट करूंगी। तब तक ये पहले वाला सूख जाएगा, वापस आके वापस कोट करूंगी, क्योंकि इससे ना अच्छा खासा लैश में वॉल्यूम आ जाता है, और उसी में बचा कुचा जो प्रोडक्ट है उसी के साथ मैं लोअर लैश लाइन करूंगी। वो जो हाइलाइटर हमने यूज किया था आई शेडो को एज अ हाइलाइटर, उसी के साथ मैं अपने ब्राउ बोन को हाईलाइट करूंगी। पूरा फेस भी आप सेम चीज के साथ हाईलाइट कर सकते हो, एंड येस यू आर गुड टू गो। बहुत ईजी, बहुत अचीवेबल लुक है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा।